नमस्कार शाहरुख खान जी। जी सर नमस्कार, स्वागत है गो भारत पर। और दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरे साथ ये जो शाहरुख खान जी है वो घोड़ों के बहुत ही ट्रेनर है जी, और घोड़ों को काफ़ी जो अलग अलग प्रकार की चालें हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? मेरा सर प्रॉपर गांव है देरा सर, बाड़मेर से आगे। अच्छा, बाड़मेर ज़िले में? हाँ बाड़मेर ज़िले में, बाड़मेर से आगे 20 किलोमीटर मेरा गांव है और ज़िला मेरा बाड़मेर है। ज़िला बाड़मेर है जी सर। तो आप मतलब घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते हो? जी सर, मेरा यही काम है ट्रेनिंग का। अच्छा अच्छा, तो आपने मुझे बताया था कि भाई आपके फादर से आपने सीखा है? हाँ, मेरे फादर साहब का नाम है गाजी खान। अच्छा, उसने ही मेरे को ट्रेन किया है। अच्छा, शुरुआत से मतलब बचपन से आपने सीखा? हाँ, मेरे घर पे थे बचपन से घोड़े, तो छोटा था तो उस टाइम मैं राइडिंग। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी है 22-23 साल। मतलब काफ़ी कम उम्र में आपने? हाँ जी, अभी मेरा 3 साल हो गए, यही मेरा काम है घोड़ों का। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आपने पढ़ाई वगैरह भी की? हाँ जी, पढ़ाई की। कितने की? 9। अच्छा, 9th क्लास से। हाँ, 9th उसके बाद में घोड़ों में? उसके बाद में घोड़ों में आ गया फुल फ्लैस। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप कहीं ट्रेनिंग देने के लिए कहीं, जैसे आप कोई भी बुलाए तो आप जाते हो? हाँ जी। तो अपनी कोई फीस वगैरह क्या होती? फीस तो सर जी देखो अलग अलग है। अभी ये घोड़ी है। अच्छा, इसमें जो मालिक है खाली चाल वाला डलवाना चाहे तो भी अलग अलग है, और डांस 4-5 तरीके के हैं। अच्छा अच्छा, फिर चौताला है, धमाल है, एक्शन है, और ये तो घोड़ी अभी देखो ट्रोट कैंटर जो इंग्लिश मारवाड़ी घोड़ों में आजकल ट्रोट कैंटर है। अच्छा, और रेवाल चाल भी अलग होती है। अच्छा, वो उस चाल में से इसमें से बहुत फर्क है। अच्छा हाँ जी, बाकी अलग अलग है फीस, ऐसा कुछ नहीं कि एक फीस है फिक्स, मतलब वो नेगोशिएबल है जैसा सिखाना वैसा। बिल्कुल सर। हाँ जी, तो जैसे अब नॉर्मली जैसे आप घोड़ा घोड़ी को ट्रेन करते हो जी सर, तो आपके हिसाब से जैसे कितना मतलब वो उम्र में होना चाहिए तब आपको उत्तम समय? ढाई साल से ऊपर होना चाहिए। ढाई साल से ऊपर? दो दांत। अच्छा, दो दांत। दो दांत है और सेवा पानी में भी तैयार होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि दो दांत कर लिया बिल्कुल थका हुआ वो राइडिंग में नहीं होगा तैयार। अच्छा, मतलब बिल्कुल उसका शरीर भी अच्छा बिल्कुल होना चाहिए। शरीर भी होना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो फिर आप उसको जैसे मतलब कितने टाइम में तैयार कर देते हो? लग जाता है 1-1.5 महीना, बाकी घोड़े के दिमाग के ऊपर है। अभी कहीं अपन आइटम डालते हैं, अभी बच्चा स्कूल में जाए तो कोई भी पढ़ाई हो ना, ये हमारी पढ़ाई है। अच्छा, अभी डांस अलग अलग होता है, एक तो छोटा डांस होता है एक बड़ा डांस। तो एक दिन छोटा डांस करवा के एक दिन मैंने बड़ा काम भी घुसा लिया, फिर दिमाग होगा तो फिट रखेगा, मैं कल पकड़ूंगा वो ही पैर उठाएगा। नहीं तो 10 मिनट किया, 10-15 मिनट वापस पकड़ा तो उसके बाद निकल गई। अच्छा, ये जानवर ऐसे हैं। तो वो सेम वही स्टूडेंट का होता है, ये क्लास में जैसे 50 बच्चे होते हैं तो 50 की भी अलग अलग होती है सीखने की। अब ये जानवर है जिनकी पढ़ाई है, कोई माला होगी तो यहाँ पे रखेंगे तो ये उठा के किसी को अपन उसके ऊपर लेके जाए तो फिरेगी। ये नमस्कार आदेश है, पाठ है, पलंग है, ये जानवर है बहुत समझदार है। अच्छा जी, तो आपने बताया पाठ और पलंग जैसे ये अपने मतलब विवाह शादी के लिए घोड़ियों, विवाह शादी के लिए डांस वगैरह के लिए तैयार करते हैं? हाँ जी, क्योंकि विवाह में ज्यादातर घोड़ियां काम में ली जाती है। हाँ, घोड़ियां अगर ऐसा कोई बढ़िया घोड़ा हो, अगर ऐसा मतलब घोड़ियों पे नहीं खोला हो तो चले विवाह शादी में बहुत सारे घोड़े। ऑस्ट्रेलियन को ज्यादातर एग्रेसिव माना जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल विवाह शादी में शोर शराबा भी होता, तो उस वजह से भी काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। बाकी इसको मैंने अभी ट्रोट कैंटर में तैयार किया है। अच्छा, अभी कितना टाइम हो गया आपको? अभी मेरे को ज्यादा तो नहीं हुए, 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा, 20-25 दिन इसी घोड़ी के साथ हो आप? बिल्कुल, आज मैं जा रहा था सिरोही, अभी बस आज इसका काम क्लियर हुआ। अच्छा, आप पूरी ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट? बिल्कुल हो गई कंप्लीट। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे 2-3 मेरे घोड़ी चालू थी। अच्छा, उनको भी ट्रेन इसी क्षेत्र में? हाँ, यहाँ पे एक आसपास के पास में 1 किलोमीटर ही है पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। उसको तो डांस था और चाल थी, उसको तो खाली ट्रोट कैंटर में तैयार किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और यहाँ और बच्चियाँ उनको लंचिंग मतलब उसमें सेट करके दिए इन लोगों को। बस बटू नहीं। चलो ठीक शेरुखा जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।